लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखे लाइव 24 न्यूज। मैं अभी पटना जंक्शन पर हूँ। पटना जंक्शन के जितने भी स्टाफ हैं वो पुराने पेंशन लागू करवाने, नए पेंशन को बंद करवाने के लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं। हमसे बात करेंगे, क्या कर रहे हैं? हम लोग को पुराना पेंशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, पुराना पेंशन एक बुढ़ापा का सहारा था जो हम लोग का छीन लिया गया। और न्यू पेंशन स्कीम में कोई ऐसी सुविधा नहीं है, सिर्फ स्टाफ को बस एक माने पहचान के तौर पर पेंशन दे दिया। पर पुरानी पेंशन बुढ़ापा का सहारा है, वो सभी स्टाफ के लिए फायदा में है। और ये जो नई पेंशन स्कीम है बस ये एक बस किसी तरह कागज़ का फुलफिल हुआ है। पुरानी पेंशन बहुत ज़रूरी है बुढ़ापा के सहारा के लिए, नहीं तो स्टाफ भूखे मर जाएंगे रिटायरमेंट के बाद, कुछ नहीं होने वाला है। पुरानी पेंशन बहुत ज़रूरी है। चलिए और बात ये बताइए, जो विधायक MP बनते हैं 5 साल के लिए, उनकी पेंशन तो हमेशा के लिए रहती है और हर बार लेते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? नहीं है, हम लोग अभी तो रहना चाहिए। हम लोग हमेशा कर रहे हैं मगर हाँ मेहनत तो कर ही रहे हैं और फिर भी ये नहीं है कि NPS है। न्यू पेंशन स्कीम क्यों आधार है? नहीं, हम न्यू पेंशन OPS हम लोगों का अधिकार है, वो हम लेकर रहेंगे सरकार से। आज के डेट में कोई भी मामूली MLA MP बनता है तो उसको 10 तरह का पेंशन दिया जाता है, जितनी बार वो जीतेंगे उतनी बार पेंशन दिया जाता है। लेकिन सरकारी कर्मियों को NPS देकर उनके हित में नुकसान किया गया है, जिस जो कि हम लोगों का एक यही मांग है कि OPS को लागू किया जाए। आज पटना जंक्शन पर हम लोग 4 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई भी सुनवाई सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। अतः सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द OPS लागू करने की कृपा करें। धन्यवाद। OPS को लाइए, बस NPS को हटाइए, OPS को लाइए, एक ही नारा। और पेंशन का अधिकार हमारा, एक ही नारा पेंशन का अधिकार है। अगर ये ओल्ड पेंशन लागू नहीं की सरकार, अगर नहीं सुनी तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, क्योंकि पेंशन ही एक सहारा है जिंदगी का, लाइफ का, ये पूंजी बहुत बड़ी। और सरकार अगर नहीं मानी तो इससे भी ज़बरदस्त, और हम लोग इसको मांग करके रहेंगे और सरकार को देना ही होगा। इसी RKU के नसरीन तबस्सुम महिला सखा के प्रेसिडेंट, क्या कहेंगे सर? आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं बोला। OPS लागू होना चाहिए, पुराना पेंशन बंद होना चाहिए, पुराना पेंशन चालू होना चाहिए, नया पेंशन बंद होना चाहिए, बुढ़ाड़ी का तो एक वही सहारा है। हमारा सरकार से बस यही कहना है कि NPS को हटाया जाए और OPS को लाया जाए, क्योंकि NPS में ये बहुत सारे हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। OPS ठीक है, अच्छा है। एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जितने भी MLA MP बनते हैं उनको एक बार बनने पर तो पेंशन मिलता ही है, और जितने बार हारते हैं जितने बार बनते हैं उतने बार का पेंशन मिलता है। उस बिहार में आप लोग का पेंशन बंद कर दिया गया 60 साल से, जो 60 साल से जो भी आप सर्विस करते हैं, इस पर आप? हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग को पुरानी पेंशन चाहिए और पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक नहीं गवर्नमेंट देगी तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस तरह की लड़ाई, ये तो आज शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बाद हमारे हम लड़ रहे हैं। और हमारे जो महामंत्री हैं शिवगोपाल मिश्रा, इनके आदेशानुसार जब आदेश मिलेगा, यदि जरूरत पड़ेगी तो रेल को बंद भी करेंगे और सब भी काम करेंगे। आप जी जी, बस हम लोग का हक है, अपना हक लेकर रहेंगे, एकदम क्या चाहते हैं? हक है मेरा OPS जाए और OPS आए और NPS जाए। ये सरकार हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। नया पेंशन बंद हो, पुराना पेंशन लागू? जी 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 जी, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? हम लोग को नया पेंशन मिलना चाहिए। ये पुराना पेंशन योजना जो अभी हम लोग, नया पेंशन से कोई लाभ नहीं है, वो पुराना पेंशन जैसे था वैसे पहले जो चल रहा था 2004 से पहले, वही हमको पुराना पेंशन चाहिए। एक जनप्रतिनिधि 5 वर्षों के लिए वह अगर MLA और MP बनते हैं तो उन्हें पुरानी पेंशन की लाभ दी जाती है, और एक कर्मचारी जो अपने ज़िंदगी की 35 से 40 वर्ष रेल सेवा में या भारत सरकार के किसी भी कार्य में अपनी उम्र को गुजार देते हैं और उन्हें नई पेंशन स्कीम, यह कहां तक उचित है? इसीलिए हमें पुरानी पेंशन चाहिए, हम लोगों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन। चलिए देखिए, पटना जंक्शन से दिखा रहे हैं कि पटना, हम लोग को NPS के बदले OPS चाहिए, मतलब कि पुराना पेंशन लागू, बिल्कुल लागू होना चाहिए, नया पेंशन नहीं किया सरकार ने, हम लोग चक्का जाम करेंगे तब जाके सरकार मान जाएगी, बिल्कुल मानेगी। चलिए, अगर सरकार नहीं मानती है तो
चक्का जाम तक की बात कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं कि पुराना पेंशन लागू हो और नया पेंशन बंद हो। ये पूरे रेलवे कर्मचारी है, ये हड़ताल जो हो रहा है सिर्फ आप लोग बिहार स्टेट लेवल या पूरे भारत के? पूरे भारत में ये हड़ताल, पूरे भारत के रेलवे के कर्मचारी सभी कर्मचारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पुराना पेंशन लागू हो नया पेंशन बंद हो। मैं शंभु कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना से, मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।